हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर एसी टेक चैनल, जहां पर आपको मिलेगा पूरा सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप लोग कैसे अपने आईफोन के अंदर जो नोट्स वगैरह होते हैं उनको रिकवर कर सकते हो, जो कि आप लोगों ने डिलीट कर दिए अपने आईफोन में से। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने आईफोन की स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आके आप लोगों को सिंपल नोट्स की एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ओपन कर लेना है नोट्स में। यहाँ पर सर्च करके नोट्स की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे नोट्स वगैरह जो हैं वो बने पड़े हैं। तो अभी जो मेरे पास पहला वाला हेलो का जो नोट है, ये मैंने फर्जी तौर पर बनाया है, इसको मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और फिर आपको इसको रिकवर भी करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर से मुझे थ्री डॉट का बटन दिखा। थ्री डॉट के बटन के ऊपर मैंने जब टैप किया तो यहाँ पे मेरे पास डिलीट का ऑप्शन आया, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये जो नोट्स है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन अब हम इसको कैसे वापस लेकर आएंगे, सिंपल तरीका है इसका भी। ऊपर नोट्स आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी, इसके पीछे आप लोगों को एक नेविगेशन बार दिख रहा होगा जो कि फोल्डर्स का होगा। इसके ऊपर हम लोगों को जाना है और यहाँ पर जाने के बाद रिसेंटली डिलीटेड का हमारे सामने एक फोल्डर आ रहा होगा। सिंपल हम लोगों को इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो हम लोगों ने नोट्स की फाइल डिलीट करी है ये हम लोगों को मिल जाएगी। हम लोगों को इसको क्या कर लेना है, मूव कर लेना है और मूव करने के बाद हम लोगों को इसको नोट्स के अंदर दोबारा से मूव कर देना है और ये हमारे पास वापस रिकवर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।